हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कुछ मछली के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मछली के बारे में कुछ चीज़। जब आप इन मछली को पहले पहले आप पहले जब इन मछली को पहले पहले लाते हैं तो इन्हें खाना 2 दिन ना दें, क्योंकि ये जो पानी से एक्सचेंज होती है तो इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। 2 दिन यहाँ रुक जाइए, इनका पेट में जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं वो निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद और ये मछली का केयर बहुत रखना पड़ता है। हमने इन्हें 2 दिन 2 3 दिन पहले लाया था। और आप अगर कोई ऐसी गोल्ड फिश जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हुई है वो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि वो उनका नेचुरल कलर होता है। दूसरी बात, ये मछलियाँ को किसी स्पीड जो सबसे तेज इनसे चलती हो फिश, इनसे ज़्यादा कोई तेज फिश जो होती है उसे ना रखें, क्योंकि क्योंकि वो थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो सकता कोई सेंस है इस बात की? ये। और बाउल में इनको रखना बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो उसमें ये जो जैसे कि फिल्टर ये वो लगा नहीं पाते और वो अकेले अकेले तो मर जाती है, तो वो ना रखें। उसका एक बड़ा सा टैंक लाए, जैसे कि ये खरीदा है वो जो हमने ये लिया है, इसमें इसको डालें और थोड़ा सा आर्टिफिशियल या असली प्लांट लगाइए जिससे इनको बहुत अच्छा लगता है। और आप इन्हें छू भी सकते, बट हर बार बार इन्हें छूएंगे तो ये बुरा मान जाएगी और इन्हें परेशान भी हो जाएंगी। खाने के बारे में बताओ। खाना वो वेजिटेरियन होती है, बट इनको जैसे कि छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना सब्जियां, वो बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि कोई सेंस है इस बात की? मर सकती है। इनका जो खाना है ये जो खरीदे ये वाला, इसका पैकेट दिखा लेता हूँ आपको। सॉरी, आप देख सकते हैं ये वाला खाना। मछलियाँ का फीमेल और मेल कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजार। इनका पेट थोड़ा सा ऐसे जो थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो बेंड होता है पेट थोड़ा सा नहीं ऐसे, तो वो फीमेल है। और जो मेल होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और पेट थोड़ा सा अंदर रहता है। ये सारी मेल ही हैं, फीमेल फीमेल तो नहीं है। सॉरी, तीसरी बात, ये मछलियाँ बहुत फ्रेंडली होती हैं। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनको खाना कितना देना मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। ये टोटल 4 है, ठीक है। खाना कितना देना है, एक फिश को 2 दाने देने। 4 फिश को कितने देंगे, 2 4 8, 8 दाने देने। ओह माय गॉड, वाओ। आप थोड़े से ये पत्थर स्टोन ये नीचे रखें। अबे जल्दी बोल दोस्तों, अगर ये मछलियाँ नीचे आके ऐसे सो रही हैं, मतलब ऐसे लेट रही हैं, तो आप वो मत सोचिए कि ये बीमार है ये वो है, ये सोती है। कोई सेंस है इस बात की? आप बोलिए। और ये जब ये बीमार होती हैं तो हाथ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये काटती भी है। बंद करो हाथ जोड़ के। आप सब्सक्राइब दबा दीजिए, पहले बता रहा हूँ, फिर आपको नए नए वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करो, ठोको सब ठोको। मुझे एम्बुलेंस का कॉल आएगा कल क्योंकि सब्सक्राइब मरने ना, प्लीज मेहनत लगती है। हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आप कॉमेडी करते रहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? की चीजें जैसे कि आप एक पंप खरीदिए, फिल्टर खरीदिए, खरीद लीजिए और कम से कम 8 घंटे तो इनको लाइट ये वाली चाहिए ही चाहिए। और आप मैं तो इन मछलियों को छूता ही हूँ, मैं तो इन मछलियों को छूता ही हूँ, बार बार इन्हें छूएंगे तो ये बुरा मान जाएगी और इन्हें परेशान भी हो जाएंगी। अबे साले जो माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हार्ड इसमें एक कटर ऐसा गिरा है। अच्छा आपको अंदर का व्यू दिखा दें कुछ ऐसा। ये फिल्टर पानी पंप करता है ऊपर और इस बैग में जाता है, तो मतलब इस ये फोम है ठीक है, इसमें से ये जो पानी है ऐसे ये वाला फिल्टर है ये ऐसे पंप जो है वो ऐसे करके इस मास्क का था ये इस कॉटन भर दिए और इसमें ऐसे पाइप जाके गंदगी चली जाती। देखिए कितनी अच्छी है प्यारी सी, बिल्कुल भी टच ना करें।